प्रेरणा कथा। आप क्रोध के गुलाम हैं। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। वो बहुत छोटी उम्र में ही अपनी फौज को लेकर दुनिया जीतने निकल पड़ा था और उसने अपने रण कौशल से ग्रीस, इजिप्ट समेत उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सिकंदर यूनान से चला था और रास्ते में आने वाले सभी छोटे बड़े देशों को जीतता गया था। इतनी लंबी यात्रा और इतने युद्ध लड़ने के बाद उसके सिपाही बहुत थक गए थे। फौज के सिपाही कई वर्षों से अपने घर नहीं गए थे और अपने परिवार से नहीं मिले थे। अब वो अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहते थे। सिकंदर उस समय भारत पहुंच चुका था। उसने अपने सैनिकों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपने देश वापस लौट जाने का निर्णय कर लिया। भारत से लौटकर जाने से पहले सिकंदर भारत से किसी विद्वान को भी अपने साथ यूनान ले जाना चाहता था। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सिकंदर को एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा के बारे में बताया। वो बाबा पास के ही एक नगर में रहते थे। सिकंदर अपनी फौज के सिपाहियों के साथ उस बाबा के रहने के स्थान पर पहुंच गया। बाबा एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में थे। वो निर्वस्त्र थे और अपनी साधना में लीन थे। सिकंदर ने उस बाबा की समाधि को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली। सिकंदर के सिपाही सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। बाबा सिकंदर और उसके सिपाहियों को देखकर मुस्कुराने लगे, पर वो अपने स्थान पर ही बैठे रहे। सिकंदर ने आगे आकर उस बाबा से कहा, मैं सिकंदर महान आपको अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूं। आप अब तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए। बाबा ने मुस्कुराकर सिकंदर से कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं। मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझको यहीं पर मिल जाता है। आप जहां जाना चाहते हैं चले जाइए। सिकंदर के सैनिकों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि एक साधारण बाबा ने सिकंदर महान को इस तरह से जवाब दे दिया था। वो क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को तो रोक दिया, पर बाबा से कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आपको मेरे साथ मेरे देश चलना ही पड़ेगा। बाबा ने फिर से शांतिपूर्वक ढंग से कहा, जीवन मेरा है और अपने जीवन के बारे में मैं अपने निर्णय स्वयं ही लेता हूं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। सिकंदर तो एकदम से आग बबूला हो गया और उसने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। उसने वो तलवार बाबा के गले पर रख दी और कहा, अब भी नहीं चलोगे? क्या तुम मरना चाहते हो? बाबा ने बहुत ही शांत ढंग से फिर कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। पर अपने नाम के साथ लगा हुआ ये महान शब्द हटा देना,
तुम में महान होने लायक कोई भी गुण नहीं है, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर को और भी गुस्सा आया, क्योंकि विश्व विजेता सिकंदर महान को एक कमजोर नंगा बाबा अपने गुलाम का भी गुलाम कह रहा था। सिकंदर ने क्रोध में भरकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा ने फिर से कहा, क्रोध मेरा गुलाम है और मेरी इच्छा के बिना मुझको क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो, तुम अभी तक अपने क्रोध को नहीं जीत सके हो। तुमने दुनिया जीत ली पर अपने क्रोध को नहीं जीत सके। अब क्रोध जब मेरा गुलाम है तो तुम उसके गुलाम हुए कि नहीं? ठीक ही तो कहा था मैंने कि तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर उस नग्न बाबा की बातें सुनकर दंग हो गया और उसके मुंह में शब्द ही नहीं थे। वो बाबा के सामने झुक गया और उनको आदर प्रदान करके अपने सिपाहियों के साथ वापस चला गया। मित्रों, कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा तेजाब होता है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाता ही है, पर वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसको भी क्षति पहुंचाता है। मनुष्य भी अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकता तो उसको स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। हम सभी बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, पर हम उसके परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचते। कभी कभी क्रोध में हम अपना ही सामान तोड़ देते हैं या औरों को क्षति पहुंचा देते हैं। जब क्रोध शांत हो जाता है तो हमको महसूस होता है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक कथा आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति रात को बहुत गुस्से में सोया था। सुबह तक उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। सुबह जब वो उठा तो उसको अपनी चप्पलें खाट के नीचे नहीं दिखी। उसने गुस्से में अपने बच्चों और अपनी पत्नी को पीट दिया। वो नहाने के लिए गुसलखाने में गया। गुस्से में दाढ़ी बनाते बनाते उसने अपना गला ब्लेड से काट लिया। स्नान करते समय साबुन गुस्से में उसके हाथ से छूट गया। अचानक उसका पैर उस साबुन पर पड़ा और वो फिसल गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसको अस्पताल में रहना पड़ा। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वहां की एक नर्स ने उससे प्रेम से बातें करनी शुरू कर दी। उस व्यक्ति को उस नर्स से प्रेम हो गया। उसने ठीक होते ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उस नर्स के साथ रहने लगा। एक वर्ष में ही उस नर्स ने उसका सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और उसको कंगाल बना दिया। एक दिन वो नर्स अचानक गायब हो गई। अब ये कंगाल व्यक्ति फिर अपने घर गया तो उसको पता चला कि उसकी पत्नी मकान बेचकर बच्चों को साथ लेकर कहीं चली गई थी। तो देखा आपने, वो चप्पलों का गुस्सा इसकी बर्बादी में बदल गया। अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि कहीं आप भी छोटी छोटी बात में कभी इतना गुस्सा कर बैठे कि बहुत क्षति हो जाए। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।